subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे सास यहाँ सिविल दवाखाने में एडमिट थे, उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया और उसके बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिए। डिस्चार्ज देने के बाद मैंने सिविल दवाखाने में एम्बुलेंस लाया था और दूसरे डॉक्टर आए कि बोले भाई इनको छोड़ नहीं सकते। मतलब भाई डिस्चार्ज कार्ड क्यों दिए, तो हमको ऊपर से आदेश है बोले, इसके बारे में नहीं बोल सकते बोले। तो मैं बाद में फिर हमारे सास का दूसरे दिन रिपोर्ट आया कि भाई तुम्हारा इंतकाल हो गया। तो मैं बोला भाई क्या बात है, तो हमारे सास ने इंतकाल के पहले बोली कि मेरे को बेटा यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पानी खाना कुछ नहीं। तो मैं पुलिस थाने में आया कंप्लेन देने को, तो यहाँ के प्रशासन ने मेरे को बहुत कोऑपरेट करी, मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। कंप्लेन जरिए से जो डॉक्टर ने दोषी है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो गई। हमारे सास के जैसा कई सासे हैं उनको बचाना चाहिए। ये डॉक्टर का ये है कि इनको बचाने के वास्ते ऊपर वालों ने पैदा करे इनको, और दूसरी बात इनको डिग्रियाँ दिए, वो डिग्री का इन्हों गलत फ़ायदा उठा रहे और इनकी धांधल गई। कलेक्टर साहब ने आके पर्सनल इनको मीटिंग लेके बोलना चाहिए और पर्सनल। और एक बात है कि साथ तो हो गया बोलना, दूसरे के साथ ऐसा हमारे साथ तो होगा और कोई दूसरे के साथ पेशेंट के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना। कलेक्टर साहब ने जो है दोषी उनके ऊपर कार्रवाई करने यह भी। वाशिम के एक पेशेंट थे, 70 साल उनकी उम्र थी, उनकी यहाँ सिविल हॉस्पिटल नांदेड़ में डेथ हो गई है। उनके रिलेटिव्स की कंप्लेंट है कि ये डॉक्टर लोगों के कुछ नेग्लिजेंसी की वजह से ये हुआ है। तो उसमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है सबको कि वो सीएस एक कमेटी बनाते हैं सीएस साहब, और वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में उस पर कार्रवाई होती है। तो उनकी जो भी तकरार थी वो हमने ली है और आगे की प्रोसीजर हम सीएस साहब को इन्फॉर्म करके वो करेंगे। थैंक यू।